Made in Bare Home Kitchen and Lifestyle Gadgets. मैं बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की लिस्ट आपको बता तो रही हूँ, लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेंगे? आप मुझ पर इसलिए ट्रस्ट करेंगे बिकॉज लास्ट 1.5 ईयर से मैंने अपनी वेबसाइट prideandbare.com पर बहुत सारी चिमनीज रिकमेंड की हैं और वो सारी चिमनीज मेरे कस्टमर्स ने खरीदी हैं और वो उनसे बहुत सेटिस्फाइड है बिकॉज उसमें से कोई भी चिमनी उन्होंने रिटर्न नहीं की है। और दूसरा, आप मुझ पर इसलिए भी ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज मेरी डीप रिसर्च के साथ साथ मैं विजिट करती हूँ पर्टिकुलर शोरूम्स पर और शॉप्स पर, जिससे मैं लाइव प्रोडक्ट्स को जान सकूं, पहचान सकूं और उसकी नॉलेज आपको दे सकूं। और वो लाइव पिक्चर्स जो मैंने विजिट करने पर ली है चिमनी को करीब से समझने में, वो पिक्चर्स और वीडियोस में जरूरत पड़ने पर साथ साथ इस वीडियो में शेयर भी कर दी। चिमनी को खरीदने से पहले उसके बारे में ये पता करना जरूरी है कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए चिमनी खरीदने से पहले। हो सकता है आपने बहुत सारी बाइंग गाइड देखी हो या यूट्यूबर्स के या गूगल सर्च पे बहुत सारा कुछ सुना होगा, लेकिन अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगी जिससे आपको एक चिमनी खरीदने में बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, बिकॉज मैंने बहुत सारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। आपने बहुत सी जगह सुना या पढ़ा होगा कि एक 60 सेंटीमीटर की चिमनी 2 से 3 बर्नर गैस स्टोव के लिए अच्छी होती है और एक 90 सेंटीमीटर की चिमनी 3 से 5 बर्नर गैस स्टोव के लिए अच्छी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक 60 सेंटीमीटर की चिमनी 3 बर्नर गैस स्टोव के लिए कब अच्छी होती है और कब नहीं अच्छी होती है? अगर आपका 3 बर्नर गैस स्टोव जो है वो हॉरिजॉन्टली है, 1 बर्नर 2 बर्नर 3 बर्नर, ठीक है, और अगर आप उस पर 60 सेंटीमीटर की चिमनी लगा लेंगे बिना ये देखे कि वो क्या है, कितना बड़ा है या नहीं है, तो आप गलती कर सकते हैं। अगर आपका जो 3 बर्नर गैस स्टोव है वो वर्टिकली है, 1 बर्नर 2 बर्नर एंड 3 बर्नर इस टाइप से, तो आप हो सकता है मिस्टेक ना करें। तो इस चीज को आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि आपका जो गैस बर्नर स्टोव है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस है या वर्टिकली प्लेस है। इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगी जो मेरा टू जो काफी लोगों से बात करने से और प्रॉब्लम सॉल्व करने से लोगों की पता चला है। आप फर्स्ट मेथड के साथ साथ दूसरा मेथड भी याद रखिएगा, तो दूसरा मेथड मैं आपको इसमें बताऊंगी। मेथड टू जो है वो ये है कि आपका जो गैस स्टोव है और चिमनी का साइज है वो, या तो चिमनी का साइज और गैस स्टोव का साइज एटलीस्ट बराबर होना चाहिए या चिमनी का साइज बड़ा होना चाहिए और गैस स्टोव आपका छोटा पड़ना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो गैस स्टोव है वो बड़ा पड़ गया और चिमनी का साइज छोटा पड़ गया, तो ही वो एक चिमनी जो है आपके धुएं और डस्ट को प्रॉपरली सक कर पाएगी। इसलिए आपको ये दोनों मेथड्स ध्यान में रखने होंगे। अब बात करते हैं सक्शन पावर की। एक 60 सेंटीमीटर की चिमनी के लिए 1000 से 1200 की सक्शन पावर ठीक होती है एंड एक 90 सेंटीमीटर की चिमनी के लिए 1200 से 1500 सक्शन पावर तक अच्छी होती है। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिल्टर वाली चिमनी लेनी चाहिए या फिल्टरलेस वाली चिमनी में भी जो होती है जो फिल्टर्स आपके लगे होते हैं, ठीक है, उसमें मैनुअल भी मिल सकती है और ऑटो क्लीन भी मिल सकती है। और लेकिन फिल्टरलेस जो आपकी दूसरे टाइप की चिमनी होती है उसमें तो आपको ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी मिलेगी ही मिलेगी, तो आपको एक फिल्टर वाली चिमनी तब लेनी चाहिए जब हैवी कुकिंग या ऑयलिंग कर रहे हैं, तब वो फिल्टरलेस तब लेनी चाहिए जब नॉर्मली जैसी कुकिंग होती है। अब चौथे पॉइंट पर बात आती है, डक्ट वाली चिमनी लेनी चाहिए डक्टलेस लेनी चाहिए। इंडियन किचन और फूड के हिसाब से डक्ट वाली चिमनी ही रिकमेंडेड है, डक्टलेस नहीं है, लेकिन अगर आपकी किचन में डक्ट पाइप निकालने की कहीं भी कोई जगह नहीं है तो आप डक्टलेस ले लीजिए। लेकिन डक्ट चिमनी में क्या होता है कि आपका जो किचन चिमनी से पाइप निकलता है वो बाहर की तरफ निकलता है और जिससे आपका धुआं और स्मोक किचन में जितना भी हो रहा है वो पाइप के द्वारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन डक्टलेस चिमनी में जो होता है आपका पाइप बाहर निकलने की कोई भी जगह नहीं होती है, वो फिल्टर्स जो होते हैं जो किचन में धुआं वगैरह होता है उसे किचन में ही फैला देते हैं। तो हमारे यहाँ के मसाले वगैरह बहुत होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ रिकमेंडेड होता है कि जो धुआं वगैरह है वो बाहर निकलना चाहिए, इसलिए इंडियन कुकिंग के हिसाब से डक्टेड चिमनी ही अच्छी। लेकिन याद रहे अगर आप डक्टेड चिमनी लगा रहे हैं तो आपका जो चिमनी है उसकी पाइप का जो साइज है वो चिमनी से ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा दूरी पर हो गया तो आपकी चिमनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी। तो इसीलिए जो चिमनी है उसका जो डक्ट पाइप निकलता है उसकी जो लेंथ है वो 6 फीट से लेके 10 फीट तक इंडियन किचन के अकॉर्डिंग
एंड फिफ्थ पॉइंट पे बात कर लेते हैं, नॉइस कितनी होनी चाहिए। आइडियल नॉइस जो होती है वो 58 डीबी होती है। आप 68 डीबी तक भी कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई अच्छी चिमनी आपको मिल रही है, बट 68 डीबी से ऊपर आप कभी भी मत लीजिए। एंड 58 डीबी से नीचे आप लेंगे तो वो अच्छी होगी ही होगी नॉइस, लेकिन 58 डीबी जो होती है वो अधिकतर चिमनीज अच्छी जो ब्रांड की आती है उनमें आपको 58 डीबी मिलती है, वही आइडियल आपकी नॉइस होती है। अब सिक्स पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि कौन से ब्रांड्स हैं चिमनी के जो आपको कंसीडर करने चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो अच्छे ब्रांड्स इंडियन मार्केट में चल रहे हैं वो एलिका है, फेवर है, एरोडोमो है, हिनवेयर है। एंड आप मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मैंने पहले वाले वीडियो बनाए थे वहां मैं ग्लेन की चिमनी पर गई थी, ग्लेन की शॉप पर गई थी, लेकिन फिर भी मैं ग्लेन चिमनी को अपनी लिस्ट में या ब्रांड में चिमनी के अच्छे ब्रांड में ऐड क्यों नहीं कर रही हूँ। उसका एक रीजन है, जब मैं वहां पर शोरूम्स पर गई तो मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लाइव प्रोडक्ट देखने के लिए मैं गई थी, उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ग्लेन की चिमनीज में कुछ भी ऐसा खास नहीं लगा जिससे मैं अपने लिए सोच पाऊँ कि फ्यूचर में मुझे कभी ग्लेन की चिमनी लेनी चाहिए। तो अगर मुझे नहीं लेनी चाहिए तो वो चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको ये है कि मुझे इंडियन ब्रांड की तरफ ही जाना है बिकॉज ग्लेन एक इंडियन ब्रांड है, तो अगर आप उस चीज़ के फैन हैं तो आप जा सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं अपने लिए कभी ग्लेन की चिमनी कभी भी नहीं लूंगी, इसीलिए मैं आपको भी वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूंगी, आप अपने उस पर ले सकते हैं। मैं इसके अलावा जो ये चार ब्रांड्स हैं वो अपनी लिस्ट में ऐड कर रही हूँ और मैं चारों ही ब्रांड अपने अपने अकॉर्डिंग अच्छे हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं किचन चिमनी लिस्ट की, जो कि ये वीडियो है बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें मैं आपको चिमनी का कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी टाइप हो, सब कुछ कवर करूंगी, चाहे वो पिरामिड चिमनी हो, वॉल माउंटेड चिमनी हो, एंगुलर चिमनी हो, फिल्टर चिमनी हो, फिल्टरलेस चिमनी हो, या फिर आपकी डक चिमनी हो, डक चिमनी का टाइप और डिज़ाइन इस लिस्ट में नहीं छूटेगा। बेसिक चिमनी आपको कैसे लगानी चाहिए, अगर आपके ऊपर किचन का स्पेस कम है तो आपको कौन सी चिमनी लगानी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें शेयर। बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया की इस लिस्ट में टॉप 8 चिमनीज होंगी, जिसमें 60 सेंटीमीटर में एक फिल्टरलेस चिमनी शेयर करूंगी, एक ऑटो क्लीन चिमनी शेयर करूंगी, एक मैनुअल चिमनी शेयर करूंगी जो बिना ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी की होगी, जो एक पिरामिड चिमनी भी होगी अगर आप लेना चाहते हैं तो। एंड 60 सेंटीमीटर में ही शेयर करूंगी मैं चिमनी, और एक 60 सेंटीमीटर की शेयर करूंगी मैं आपके साथ एंगुलर चिमनी। तो ये 5 टाइप की 60 सेंटीमीटर की चिमनीज होंगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं 90 सेंटीमीटर में शेयर करूंगी एक फिल्टरलेस चिमनी, एक ऑटो क्लीन चिमनी, एंड इसके अलावा एक डीप साइलेंट चिमनी शेयर करूंगी। तो 90 सेंटीमीटर में ये 3 टाइप की चिमनी शेयर करूंगी, तो टोटल टॉप 8 चिमनीज आपके साथ शेयर। बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की लिस्ट में पहले नंबर पर जो चिमनी आती है वो है एलिका की 60 सेंटीमीटर फिल्टरलेस चिमनी, जो कि एक बेस्ट सेलर चिमनी भी है। अब बात कर लेते हैं इस चिमनी की स्पेसिफिकेशंस की। चिमनी टाइप क्या है, वॉल माउंटेड है, दीवार पर लगा सकते हैं, कर्व ग्लास का डिजाइन मिलेगा जो कि मॉडर्न डिजाइन है, एंड साइज है 60 सेंटीमीटर का, नॉइज आपको मिलेगी 58 डीबी जो कि आइडियल नॉइज होती है, सक्शन पावर आपको मिल जाएगा 1200 का जो कि एक अच्छा सक्शन कैपेसिटी है 60 सेंटीमीटर की चिमनी के लिए। फिल्टर टाइप क्या है, फिल्टर्स नहीं है, फिल्टरलेस चिमनी मिलेगी। वारंटी जो है वो 1 ईयर ऑन द प्रोडक्ट है एंड 5 ईयर्स ऑन द मोटर है। मेरी वेबसाइट पर ये सबसे ज्यादा लोगों ने खरीदी है एंड इस टाइम भी ये बेस्ट सेलर चिमनी है, तो ये चिमनी आप आसानी से ले सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस चिमनी के की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक फिल्टरलेस चिमनी है तो इसको साफ करने का आपको कोई भी झंझट ज्यादा होगा नहीं, एंड फिल्टर्स इसमें होते नहीं है, एक जाली होती है, फिल्टर साफ करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, मेंटेनेंस वाले आएंगे वो आपकी जो चिमनी को साफ कर देंगे। एंड कभी कभी आप चाहें तो घर पर ट्राई कर सकते हैं, जब मैं शॉप पर गई थी तो उन्होंने ये बोला था कि फिल्टरलेस चिमनी की जो जाली होती है वो आप घर पर साफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चिमनी लगा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपके यहाँ जब सर्विस सेंटर वाले आए तो आप उनसे
ये काम फर्स्ट टाइम तो एटलीस्ट कराएं और पूछ लें कि कैसे आगे करना है, तभी आप वो चीज जो है उसकी जाली खुद से घर पर साफ करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो इसकी सक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़िया आपको सक्शन कैपेसिटी मिली है जो आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगी। एंड ऑफ कोर्स ये फिल्टरलेस चिमनी है तो ऑटो क्लीन का फीचर तो है ही, ऑटो क्लीन बटन दबाने पे आपका जो ऑयल है वो ऑयल कलेक्टर में आ जाएगा, जिसको आपको साफ करने में 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है, आपके टाइम को भी सेव करेगा और आपको साफ करने में भी प्रॉब्लम। एंड ये चिमनी सारे मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है, इसमें टच कंट्रोल पैनल है एंड जेस्चर कंट्रोल भी है। टच कंट्रोल से आप मॉडर्न होता है, पुश बटन आपको दबाने नहीं पड़ेंगे एंड जेस्चर कंट्रोल इज जस्ट लाइक मोशन सेंसर, जैसे कि आप वेव करेंगे चिमनी के आगे हाथ तो ये चिमनी अपने आप वेव करने पर ऑपरेट होगी। तो ये सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो इस चिमनी को में मिल रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है, बेस्ट सेलर है और बजट के अंदर आती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोस की। इसमें 2 LED लैंप्स लगे हैं, जब भी आप डार्क मोड में हो या डार्क फील करें तो 2 LED लैंप्स जो हैं वो उनको ऑन कर लीजिए, आपको खाना बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड ये ब्यूटीफुल मैट फिनिश के साथ आती है, ब्लैक कलर है एंड ये जो बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया टॉप ब्रांड से है, इनका जो है टॉप पॉपुलर चिमनी ब्रांड है इंडिया में। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। मुझे इस चिमनी में ऐसा कोई भी कॉन नहीं दिखा जो कि मुझे लगाओ कि आपको नहीं। बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मेरी जो चिमनी आती है वो है एलिका की 60 सेंटीमीटर की ऑटो क्लीन चिमनी, फिल्टर वाली है, ऑटो क्लीन चिमनी है जो कि 1425 सक्शन कैपेसिटी के साथ आती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चिमनी है, इसे भी मेरी वेबसाइट पर बहुत अच्छे से खरीदा गया है और मैंने ही लोगों की इसमें हेल्प की थी। देखिए इस चिमनी में खास क्या है, मैंने आपको बोला था कि 60 सेंटीमीटर की चिमनी की जो सक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए वो 1000 से 1200 होनी चाहिए। अब देखिए इसमें जो सक्शन कैपेसिटी है वो 1200 ऊपर है, 1425। ये चिमनी मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, किसी भी रीजन से, जो साइज मैंने आपको पहले बताया था उस साइज के अकॉर्डिंग आप किसी भी रीजन से एक 60 सेंटीमीटर की चिमनी अपने 3 बर्नर गैस स्टोव के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आप एक बर्नर गैस स्टोव ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो आपको 1200 से ऊपर सक्शन कैपेसिटी लेनी होगी, क्योंकि सक्शन कैपेसिटी अच्छी करनी है और बर्नर स्टोव आपको बढ़ा रहे हैं तो 1200 तक तो सीमित नहीं रहेगी ना। और ऑटो क्लीन फिल्टर वाली चिमनी है तो वही अच्छी है, फिल्टर और ऑटो क्लीन का कॉम्बिनेशन जो है आपकी, जो आपने बर्नर स्टोव ज्यादा बढ़ाया है उसके लिए अच्छी है एंड साथ ही साथ आपके में घर में ऑयली या किचन वगैरह में खाना ऑयली बनता है, मसाले वाला बनता है, तो ये चिमनी बहुत ही अच्छी परफेक्ट चिमनी है 3 बर्नर गैस स्टोव के लिए, क्योंकि एक 3 बर्नर गैस स्टोव के लिए आपको अच्छी सक्शन कैपेसिटी भी चाहिए होगी जो कि 1425 इसमें है ही है, और फिल्टरलेस ये है नहीं, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी है लेकिन फिल्टर्स के साथ है। फिल्टर वाली चिमनी क्या होती है, मसाले और धुएं को ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं, तो अगर आपको किसी भी रीजन से अपना गैस स्टोव बर्नर बढ़ाना पड़ रहा है, ऑयली और मसालेदार खाना चाहिए, तो फिल्टर वाली चिमनी, ये वाली चिमनी बेस्ट और बेस्ट है। बात कर लेते हैं इस चिमनी की स्पेसिफिकेशंस की। टाइप वही वॉल माउंटेड है, कर्व ग्लास है एंड जो आप दीवार पर लगा सकते हैं, डिजाइन भी अच्छा है, 60 सेंटीमीटर की चिमनी है, नॉइस 58 dB है, सक्शन कैपेसिटी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी है, 1425 है एंड फिल्टर में आपको इसमें एक फिल्टर नहीं दो फिल्टर्स मिलेंगे। बात करें तो 1 ईयर की प्रोडक्ट पे वारंटी है एंड 5 ईयर्स की मोटर पर वारंटी। की फीचर्स की बात करें तो ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आपको पुश करना होगा ऑटो क्लीन बटन पे और आपको ओकेजनल क्लींजिंग करनी होगी एंड इसकी जो सक्शन कैपेसिटी है ऑफकोर्स बहुत हाई है और इसमें टच कंट्रोल मोशन सेंसर भी है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंड 2 LED एनर्जी कंजप्शन वाले जो एलईडी लैंप्स होते हैं। इसकी प्रोस की, एलिका की सभी चिमनीज में मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन देखने के बाद सबसे हाईएस्ट सक्शन पावर है इस चिमनी की, तो आप इसे 3 बर्नर गैस स्टोव के लिए ले सकते हैं अगर किसी भी रीजन से लेना चाहते हैं 3 बर्नर गैस स्टोव के लिए एक 60 सेंटीमीटर की चिमनी। तो बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। आगे आने वाली चिमनीज में कुछ कॉन्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी, लेकिन सीरियसली इस चिमनी में भी मुझे ऐसा कोई कॉन नहीं दिखाया जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो चिमनी आती है वो भी एक बहुत अच्छे
पॉपुलर ब्रांड से जो कि मेरा भी पर्सनली फेवरेट ब्रांड है, फेवर की 60 सेंटीमीटर की पिरामिड किचन चिमनी, जो कि एक मैनुअल किचन चिमनी है जिसमें फिल्टर्स तो है लेकिन ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको ये मैच करती है, चिमनी बहुत अच्छी है, तो आप इसे के साथ जा सकते। जैसा कि मैंने बताया मैनुअल किचन चिमनी है, इसमें ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिल्टर्स वेफर फिल्टर्स ही मिलेंगे जो कि इंडियन किचन के हिसाब से वेफर फिल्टर्स अच्छे होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशंस में वॉल माउंटेड चिमनी है, पिरामिड है। पिछली हमने जो चिमनीज देखी थी वो वॉल माउंटेड थी लेकिन कर्व ग्लास चिमनीज थी, ये वॉल माउंट है, दीवार पे लगा सकते हैं, लेकिन इसकी डिजाइन जो है वो पिरामिड है। अब ध्यान से समझिए, इस टाइप की डिजाइंस आप वैसे तो आप लुक वाइज ले सकते हैं, लेकिन इस टाइप की डिजाइंस आप कब ले सकते हैं, आपकी अगर जो चिमनी जहां पर आप लगा रहे हैं गैस स्टोव के ऊपर, अगर आपकी वो चिमनी इतनी जगह नहीं है चिमनी लगाने के लिए कि आप कर्व ग्लास चिमनी लगा पाए, बिकॉज कर्व ग्लास जो चिमनी होती है वो चौड़ाई में ऐसी बड़ी होती है, उसकी विड्थ जो होती है वो बड़ी होती है। लेकिन पिरामिड चिमनी, इसका एक फायदा है कि अगर आपकी गैस स्टोव के ऊपर उतनी जगह नहीं है कि आप कर्व ग्लास चिमनी लगा पाए, तो आप चिमनी लगाने का प्लान कैंसिल मत कीजिए, आप पिरामिड चिमनी लीजिए। बिकॉज आप देख सकते हैं पिरामिड चिमनी में ऊपर से जो है पतली सी विड्थ होती है, विड्थ इतनी चौड़ी होती नहीं है, और नीचे से वो अपनी सक्शन कैपेसिटी वगैरह डिजाइन पूरी चिमनी का ही आकार होता है। तो ये एक चिमनी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लुक वाइज चाहते हैं वैसे, या फिर आपकी चिमनी का ऊपर जगह नहीं है, तो ये एक इस टाइप की चिमनी भी मुझे लगा कि इस लिस्ट में रखनी चाहिए, और इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं। ये बहुत अच्छी चिमनी है जो चलती है, मैनुअल है, ऑटो क्लीन नहीं है, वो आप देख। साइज की बात करें तो 60 सेंटीमीटर साइज है, एंड नॉइस में भी ये देखिए, अभी आपने जितनी भी चिमनी देखी थी वो 58 डीबी की थी, लेकिन देखिए इसमें नॉइज लेवल भी कम है, 49 डीबी का नॉइज लेवल दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, आपको नॉइज की कोई दिक्कत नहीं होगी। सक्शन कैपेसिटी इसकी 1000 है, जैसा कि मैंने पहले बताया था 60 सेंटीमीटर की चिमनी 1000 से 1200 तक सक्शन कैपेसिटी चल जाती है। एंड फिल्टर्स की बात करें तो इसमें दो वेफर फिल्टर्स हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एंड वारंटी जो है वो 1 ईयर की प्रोडक्ट पे वारंटी मिलती है। एक और अच्छी इसमें बात है, 12 ईयर की मोटर पे वारंटी है, ऊपर जो मैंने चिमनी बताई थी उसमें मोटर पे वारंटी 5 ईयर्स की थी। तो देखिए इसमें कितने सारे प्रोज हैं। की फीचर्स की बात करें तो इसमें सफिशियंट सक्शन कैपेसिटी है, जो आपके किचन से धुआं वगैरह सक करने में हेल्पफुल रहेगी। एंड सबसे बड़ी बात है, 3 लेयर वेफर फिल्टर्स है, जो इंडियन किचन के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। एलईडी लैंप्स भी आपको इसमें। इसकी प्रोस की बात करें तो ये एक अफोर्डेबल सिंपल किचन चिमनी है, जो आपकी पर्पस को सॉल्व कर सकती है, बजट में है, और आप कोई भी ले सकता है इसे, और स्टाइलिश भी है मैनुअल होने के साथ साथ। बहुत सी मैनुअल चिमनीज होती हैं जो मॉडर्न लुक नहीं देती हैं, बट ये मॉडर्न लुक भी देती है, सभी किचन टाइप्स के लिए अच्छी रहेगी। बिकॉज ऊपर अगर आपकी जगह नहीं है तो तब भी आप लगा सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 7 ईयर ज़्यादा वारंटी मिल रही है आपको अदर चिमनीज से मोटर पर, और इसमें सभी चिमनीज जो ऊपर बताई हैं उससे कम लेस नॉइज है। और अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो कॉन में ये है, अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसके फिल्टर्स आपको फ्रिक्वेंटली साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि एक मैनुअल चिमनी है। तो ये तो जो कॉन है वो सारी ही मैनुअल चिमनीज का हुआ, क्योंकि ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी मैनुअल चिमनीज में होती नहीं है, तो आपको फिल्टर्स क्लीनजिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आपको फिल्टर साफ करने पड़ेंगे, जिससे आपको अच्छी सक्शन पावर मिलती रहे। बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की लिस्ट में 4th नंबर पर जो चिमनी आती है वो है हैंडवेयर की 60 सेंटीमीटर फिल्टरलेस किचन चिमनी। सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आपको इसमें मिल जाएंगी, बिकॉज ये फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है। अब इसमें बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। चिमनी टाइप क्या है, वॉल माउंटेड है, कर्व ग्लास डिजाइन है, साइज 60 सेंटीमीटर है, एंड सक्शन कैपेसिटी 1200 है, एंड फिल्टर्स में क्या है, फिल्टरलेस है, एंड वारंटी 1 ईयर ऑन द प्रोडक्ट है, एंड 5 ईयर ऑन द मोटर है। और भी फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है, इसमें फिल्टर्स यूज नहीं हुए हैं, तो आपको क्लींजिंग वगैरह के मामले में थोड़ा सा कम वरीड रहना होगा। एंड इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टच कंट्रोल है, मोशन सेंसर सब कुछ मिलेगा, एंड ग्रेट सक्शन पावर है 60 सेंटीमीटर की चिमनी के लिए, 1200 सक्शन पावर इज सफिशियंट इनफ। कॉन्स की बात करें तो सिर्फ इसमें एक एलईडी लैंप ही मिलता है, दो नहीं।
बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में 5th नंबर पर जो है वो है अगेन मेरा फेवरेट और टॉप ब्रांड है। वैसे तो ये सारे ही ब्रांड्स टॉप हैं जो मैं बता रही हूँ। पर्सनली आई लाइक फेवर ब्रांड, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, दिस इज माय फेवरेट ब्रांड। फेवर 60 सेंटीमीटर की एंगुलर किचन चिमनी है। एंगुलर एक डिजाइन है किचन चिमनी, मोस्टली एंगुलर चिमनीज जो होती हैं ज्यादातर मैंने देखा है वो फिल्टरलेस टेक्नोलॉजीज के साथ ही आती हैं। एंड एंगुलर चिमनी दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, डिफरेंट डिजाइन की होती हैं जैसे कि देख पा रहे हैं आप। एंगुलर चिमनीज जब मैंने अपनी रिसर्च की और वहां पर शोरूम्स पर विजिट करने पर मुझे पता चला एंगुलर इज जस्ट अ डिजाइन, उसका चिमनी की उससे कोई मतलब नहीं है कि कुछ अलग सा इसमें परफॉर्म हो जाएगा या समथिंग ऐसा कुछ है। नो, इट इज जस्ट अ मॉडर्न लुक होता है जो आप देख रहे हैं, इट इज जस्ट अ डिजाइन एंगुलर। तो जो लोग इसे लगवाना चाहते हैं वो इसे लगवा सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो टाइप है वॉल माउंट, दीवार पर ही लगती हैं। एंड ऊपर जो थी वो कर्व ग्लास चिमनीज हमने देखी, पिरामिड चिमनी डिजाइन देखी, अभी वॉल माउंट के साथ ही एंगुलर है, दीवार पर लगेगी लेकिन डिजाइन एंगुलर है। साइज 60 सेंटीमीटर है, नॉइजर 58 dB का, सक्शन कैपेसिटी इसमें बहुत अच्छी आपको मिल रही है जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी। 1350 1200 से ऊपर जो भी होती है तो ऑफकोर्स 60 सेंटीमीटर के लिए वो अच्छी, बहुत अच्छी सक्शन कैपेसिटी देती है। एंड फिल्टर्स में क्या है, फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है, वारंटी 1 ईयर ऑन द प्रोडक्ट है एंड 5 ईयर ऑन द मोटर है। की फीचर्स और प्रोस की बात करती हूँ, फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी तो आपको बार बार क्लींजिंग की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मेंटेनेंस वाले आकर वो ही ज्यादातर काम आपका कर देंगे। एंड टच कंट्रोल वगैरह सारी जो टेक्नोलॉजीज है, जेस्चर कंट्रोल सब कुछ है। एंड प्रोस की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम खर्च होगी। एंड एंगुलर चिमनी है तो आपकी किचन के लुक को बहुत अच्छे से एनहांस कर देगी। एंड कॉन्स की बात करें तो ये कॉस्टली चिमनी है और सबसे ज्यादा, बिकॉज एंगुलर चिमनीज होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा मैंने फील की है कि जो कॉस्टली होती हैं, तो ये चिमनी भी थोड़ी कॉस्टली है। एंड आप जो ये वाली जो चिमनी है उसका लिंक तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो मैंने अभी ऊपर चिमनीज जो आपको रिकमेंड की हैं वो हर बजट में है, बजट फ्रेंडली भी की हैं, अच्छी बेस्ट सेलिंग भी, सब कुछ आपको नीचे अमेजोन में मेरे प्रोडक्ट्स अमेजोन एफिलिएट के मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे इसका एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, जो मेरे आर्टिकल्स में भी आप देख सकते हैं कि अमेजोन एफिलिएट के जो मेरे नीचे लिंक्स दिए हैं वो अगर आप क्लिक करके ये चिमनी खरीदेंगे या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे आप सीधे उससे लिंक से डायरेक्ट होंगे amazon.in पर, तो कुछ भी परचेज करते हैं तो आपके प्राइस में बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होगा, एक रुपया ना घटेगा ना बढ़ेगा, सेम आपका प्राइस रहेगा लेकिन उससे कुछ कमीशन मुझे मिल जाएगी। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और प्रोडक्ट्स के जो शोरूम्स पर विजिट करके आपके लिए अच्छी नॉलेज ला सकूं। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट मुझे कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मेरे अमेजोन एफिलिएट लिंक से कुछ परचेज करने से पहले मुझसे पूछना चाहते हैं कि कौन सी चिमनी बेस्ट है कौन सी नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, उससे परचेज करेंगे तो मेरे मुझे कुछ कमीशन मिलेगी और आपके लिए भी बेस्ट होगा कि मेरी रिकमेंडेड चिमनीज जो है वो आपको मिल जाएंगी। एंड जो आर्टिकल्स हैं मेरा जो आर्टिकल बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया है उसको भी आप साथ के साथ अगर चाहें तो कभी भी देख सकते हैं, बिकॉज वो डेली टू नहीं, जब कोई नई चिमनी आती है कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो वो सारी आपको उस आर्टिकल में मिल जाएगी, बिकॉज वो मेरा आर्टिकल अपडेट होता रहता है। बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की लिस्ट में 6 नंबर पे जो चिमनी आती है वो भी एक पॉपुलर ब्रांड से है, इरोडोमो की। इरोडोमो चिमनी में क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज ये एक बजट फ्रेंडली ब्रांड है और आपका अच्छा ब्रांड भी है जो इंडियन मार्केट में चलता है। तो मैंने उन लोगों के लिए जिनको बजट की दिक्कत आ रही है और अच्छी चिमनी भी चाहिए, तो इरोडोमो वो ब्रांड है जो बजट फ्रेंडली है और अच्छा है, ये इंडियन मार्केट में एक टॉप ब्रांड है, इसीलिए मैंने अपनी इस लिस्ट में इस चिमनी को रखा है जिसका एफिलिएट लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन है अगेन पूछ सकते हैं। 6 नंबर पे एक 90 सेंटीमीटर की चिमनी, मैं 60 सेंटीमीटर के बाद अब 90 सेंटीमीटर की चिमनीज रिकमेंड कर रही हूँ, तो इरोडोमो की 90 सेंटीमीटर की फिल्टरलेस किचन चिमनी मिलेगी, बजट फ्रेंडली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं मिलेंगी, फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही मिलेगी। बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के, टाइप की बात करें तो वॉल माउंट चिमनी है, कर्व ग्लास चिमनी है एंड साइज में 90 सेंटीमीटर की है। नॉइस की बात करें 58 dB की नॉइस है, सक्शन कैपेसिटी 1200 मिलेगी, फिल्टर्स है नहीं, फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी, वारंटी की बात करें तो 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट होगी एंड 5 ईयर्स ऑन मोटर होगी।
की फीचर्स एंड प्रोस की बात करें तो इसमें सफिशियंट सक्शन कैपेसिटी है, फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है, आपको बार बार साफ करने की जरूरत नहीं है, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी, मोशन सेंसर है, टच कंट्रोल है एंड एलईडी लैंप्स हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। एंड इसकी कॉन्स की बात करें तो मैंने इसमें सब कोई कॉन नहीं पाया जो मुझे लगा कि आपको ये चिमनी नहीं लेनी चाहिए। बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की लिस्ट में 7th नंबर पर जो चिमनी आती है, अगेन मेरा फेवरेट ब्रांड है फेवर 90 सेंटीमीटर ऑटो क्लीन चिमनी। पहले मैंने जो 90 सेंटीमीटर की चिमनी एरोडोमे की बताई थी वो थी फिल्टरलेस। अगर आपको ऑटो क्लीन की रिक्वायरमेंट है, आपके घर में ऑयली खाना है, मसाले ज्यादा बनते हैं, ऑटो क्लीन चिमनी चाहते हैं, फिल्टरलेस नहीं चाहते, फिल्टर्स में हो ऑटो क्लीन हो, तो दिस इज द बेस्ट चिमनी। और ये इसीलिए भी सबसे ज्यादा बेस्ट है बिकॉज इसकी जो सक्शन कैपेसिटी है वो 1500 है और 1500 इज द हाईएस्ट सक्शन कैपेसिटी इन चिमनीज जो कि मैंने अभी तक नोटिस की है ऑनलाइन और ऑफलाइन। और मैंने आपको पहले बताया भी था कि 90 सेंटीमीटर में 1200 से 1500 सक्शन पावर तक जा सकते हैं एंड 1500 सक्शन पावर इज अमेजिंग बिकॉज इस चिमनी का लिंक जो बेस्ट चिमनी है उसका सारे लिंक्स के साथ साथ ये लिंक्स भी मैंने दिए, आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और उसे परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि आप ब्लाइंडली जाकर परचेज कर लीजिए, मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तभी आप परचेज कीजिए और तभी ही आप सेटिस्फाई हो पाएंगे। बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। वॉल माउंट चिमनी है, कर्व ग्लास चिमनी है एंड साइज है 90 सेंटीमीटर, नॉइज है 58 डीबी का, सक्शन कैपेसिटी है विच इज हाईएस्ट जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, 1500 सक्शन कैपेसिटी है। फिल्टर्स इसमें है, यस फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑटो क्लीन है जो कि एक अच्छी भी बात है। और एंड वारंटी की बात करें तो 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट एंड 5 ईयर्स ऑन मोटर, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी तो इसमें है ही, टच कंट्रोल आपको मिल जाएगा एंड 2 1.5 वॉट के एलईडी लैंप्स मिलेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी, पावरफुल मोटर है इसका एंड जो टच कंट्रोल है वो भी है, लेकिन इसमें मोशन सेंसर नहीं है जो कि एक एडिशनल फीचर होता है। और इसका चिमनी की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, चिमनी की परफॉर्मेंस सेम रहेगी। बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की लिस्ट में 8th नंबर जो कि लास्ट चिमनी है वो आती है अगेन इलिका ब्रांड से जो कि एक टॉप ब्रांड है। और मैंने इस बार ये चिमनी सिलेक्ट की है डीप साइलेंट चिमनी। एलिका की स्पेसिफिकेशन ही है कि वो डीप साइलेंट चिमनीज निकालती है जो कि कोई और ब्रांड नहीं निकालता है। ये चिमनी मैंने अपनी लिस्ट में इसलिए रखी है बिकॉज अगर आपको नॉइज से प्रॉब्लम होती है खाना बनाते टाइम, अगर थोड़ी भी नॉइज आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो आप ये चिमनी ले सकते हैं। ऑप्शंस की टाइप है, वॉल माउंट साइज है 60 सेंटीमीटर, सक्शन कैपेसिटी है 1000 N, फिल्टर है 3D फिल्टर, वारंटी है 1 ईयर ऑन द प्रोडक्ट एंड 5 ईयर ऑन द मोटर एंड नॉइज जो है वो डीप साइलेंस ही। अब इसकी प्रोस की बात कर लेते हैं, साइलेंट एनवायरमेंट आपकी किचन में हमेशा रहेगा एंड 25% मोर सक्शन पावर आपको मिलेगी बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट नहीं, इसमें जो एलिका की जो अपनी टेक्नोलॉजी है जिसे हम बोल रहे हैं ESD3 एंड ये जो बेस्ट साइलेंट किचन चिमनी है स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आती है जो कि बहुत अच्छी बॉडी है एंड आप अपनी इसमें एलईडी लैंप्स भी आपको मिल जाएंगे एंड ये जो चिमनी है इसमें 3D फिल्टर्स आते हैं। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो इसमें ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, ये आपको मैन्युअली मिलेगी, इसमें कोई भी ऑटो क्लीन फीचर नहीं है कि आप ऑटो क्लीन बटन दबाएंगे और आपका जो है चिमनी खुद से साफ हो जाएगी। अगर आपकी ये पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि नॉइसलेस चिमनी चाहिए तो आपको इससे ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज ये है कि आपको फिल्टर्स जल्दी जल्दी निकाल के साफ करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी। तो यही इसका कॉन है, अगर आपको कॉन लगता है तो आप मत लीजिए, अगर नहीं लगता है तो आप ले सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है एंड इसकी अमेजोन एफिलिएट लिंक भी मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगेन मैं कह रही हूँ परचेज करने से पहले कुछ भी पूछना चाहते हैं वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। साथ मेरी टॉप 8 बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 की लिस्ट यहाँ पर खत्म हो गई है। आई होप मैंने सारे चिमनी के डिजाइन सारे टाइप सब कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपको लिस्ट बताई है और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। अगर कोई भी चिमनी का टाइप या कुछ भी रहता हो तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, क्यों कवर करूंगी जो एक जनरल क्वेश्चन आपके हो सकते हैं जो मेरे माइंड में आए या जो मेरे कस्टमर्स के माइंड में वेबसाइट पर आए, जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे मैं आगे मैं कवर करूंगी। तो FAQ वाले पार्ट को मिस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं।
लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि वो पार्ट भी आप देखिए जिससे आपको जो और लोगों के क्वेश्चन थे वो आपके भी हो सकते हैं, तो वो सारे आपको कंफ्यूजन सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। बिकॉज ये वीडियो सिर्फ लिस्ट का नहीं था, लिस्ट तो मैंने आपको बेस्ट अपनी लिस्ट दी है जो मेरी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा चिमनीज बिकी हैं जिससे आपको अच्छी चिमनी खरीदने में हेल्प हो, उसके साथ ही साथ मैंने इतनी सारी नॉलेज उसमें प्रोवाइड कर दी है और आगे भी FAQ में मैं सारी नॉलेज प्रोवाइड करूंगी। जस्ट ये ब्लाइंड वीडियो नहीं था कि मैं जाऊं और सिर्फ लिस्ट बताऊं और आपको परचेज करने के लिए बोलूं, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बिल्कुल पुट कर दी है। अगर आपको बिल्कुल भी हेल्प मिली है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड और मुझे इससे ये मोटिवेशन मिलेगा कि इस टाइप की मेहनत मैं आगे और प्रोडक्ट्स के लिए कर सकूं और आप तक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं और अपनी बेस्ट लिस्ट वो आपको रिकमेंड कर सकूं। और उसके बाद भी मैं इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी आपसे यही कह रही हूं कि आप फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, ब्लाइंडली परचेज मत कीजिए, मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगी और कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो बताऊंगी। FAQ है जो आर्टिकल में भी मैंने अपने कवर किए हुए हैं। तो FAQ के लिए बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2022 के FAQ में पहला FAQ मेरा ये है कि लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है जब आप एक किचन चिमनी परचेज या बाय करते हो, तो ये इंडिविजुअल किचन चिमनी पर डिपेंड करता है। कुछ जो किचन चिमनीज होती हैं वो 180 वॉट लेती हैं और कुछ किचन चिमनीज जो होती हैं वो 250 वॉट तक लेती हैं। जनरली मैंने अपनी रिसर्च के दौरान देखा है कि अगर आप मैनुअल चिमनी ले रहे हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चिमनी नहीं ले रहे हैं तो वो ज़्यादा वॉट लेंगी, ऑन द अदर हैंड अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चिमनी ले रहे हैं तो थोड़ा पावर कंजप्शन कम लेंगी। अब किचन चिमनी के बारे में जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करना है या नॉइस लेवल थोड़ा सा कम करना है या वैसे भी, तो आप अपनी किचन चिमनी की जो सक्शन पावर है उसको कम कर सकते हैं। सक्शन कैपेसिटी कम हो सकती है, 3 स्पीड या कुछ स्पीड्स दे होते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी किचन चिमनी की जो सक्शन कैपेसिटी है वो 1500 है, तो अगर आप हैवी ऑयलिंग वाला या धुएं वाला खाना बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, कुछ सब्जी मसाले वाली बना रहे हैं, धुआं जिसमें ज़्यादा आता है, तो 1500 सक्शन कैपेसिटी रखिए। लेकिन अगर आप नॉर्मली रोटी बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा धुआं नहीं आता है, चाय बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा धुआं नहीं आता, तो आप अपनी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, आपकी 1500 से जो सक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो आप सारे नॉर्मल टास्क करते हुए आप अपनी सक्शन कैपेसिटी अकॉर्डिंगली कम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो आपकी मैक्सिमम सक्शन कैपेसिटी दी हुई है आपको उसको हमेशा ऑन रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नॉइस सक्शन कैपेसिटी जब फुल पे होती है तो नॉइस पूरा बढ़ जाता है, और सक्शन कैपेसिटी जब हम कम कर लेते हैं अकॉर्डिंगली तो नॉइस कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है। तो इससे आपका नॉइस भी कम होगा और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो वैसे किचन चिमनीज में इतना होता नहीं है, फिर भी अगर सक्शन कैपेसिटी कम करेंगे तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पावर कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा। और तो ये दोनों और ये जो है आपकी चिमनी ये 9 स्पीड चिमनी है, मतलब जैसे अदर में जो होती है वो 3 स्पीड चिमनियाँ आती हैं, ठीक है, यानी सक्शन एरिया को 3 तक बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3 तक बढ़ा सकते हैं आप नॉर्मल को, ठीक है, पर आप इसको 9 तक बढ़ा सकते हैं, जैसे 150 वॉट को आप 9 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पावर को चला सकते हैं, सक्शन पावर को बढ़ा सकते हैं, सक्शन पावर कम कर सकते हैं, स्पीड फिर कैसे बढ़ा सकते हैं, आप फुली मोशन ऑपरेटेड चिमनी है ये, ठीक है, 1200 पर पूरी ऑपरेट होती है और एयर पे आती है तो 1200 से थोड़ी कम, बिल्कुल, यानी सक्शन पावर को बढ़ाना घटाना भी आपके हाथ में, हमारे हाथ में। अगर आप एक फिल्टर वाली चिमनी ले रहे हैं तो उसमें आपको एक या फिर 2 फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, किसी भी फिल्टर वाली चिमनी में आप देखेंगे या तो उसमें 1 फिल्टर लगा होगा या फिर उसमें 2 फिल्टर्स लगे होंगे, एक इधर या एक उधर।
अब आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि फिल्टर साफ करने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, फिल्टर्स क्यों साफ करने। फिल्टर्स आप अगर आपकी चाहे मैनुअल चिमनी है ऑटो क्लीन, वो तो आपको मैंने पहले बता दिया कि किस किस ड्यूरेशन पे आपको साफ करना चाहिए। अब करने क्यों चाहिए साफ बताओ? साफ इसलिए करने चाहिए क्योंकि अगर आप फिल्टर साफ नहीं करेंगे तो फिल्टर्स में जाकर जो धुआं स्मोक जितना भी आप जिस पर्पज से आपने चिमनी खरीदी है कि स्मोक वगैरह सब इसमें सक हो जाए तो वो सब जमता चला जाएगा, और अगर वो जमता चला जाएगा और ऊपर एक पार्ट जैसी डस्ट जैसी जम जाएगी तो आपकी चिमनी उसको अच्छे से आपका नेक्स्ट टाइम जो धुआं वगैरह कुछ सक नहीं कर पाएगी, तो ओवरऑल उसकी सक्शन कैपेसिटी है वो लो पड़ जाएगी, और जब सक्शन कैपेसिटी लो पड़ेगी तो परफॉर्मेंस चिमनी क्या ही दे पाएगी, बिकॉज किचन चिमनी का लगभग 3 महीने तो ऑटो क्लीन प्रोसेस देखिए क्या है। पहले तो लोगों के मन में ये थोड़ी सी शंका रहती है कि ऑटो क्लीन है क्या। यदि लोग सुनते हैं ऑटो क्लीन का मतलब सुनते हैं तो वो ये सोचते हैं कि चिमनी जो है अपने आप को ऑटो क्लीन कर रही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इवन फिल्टर लेस में भी ये लोग सोचते हैं कि ऑटो क्लीन ही सब कुछ है और कुछ नहीं। देखिए ऑटो क्लीन एक सिंपल प्रोसेस है, आपकी इस पर जो मोटर है, मोटर पर एक हीटिंग कॉइल लगी होती है, जो मोटर पे आपका जो चिपक जाता है ऑयल चिपक जाता है उसको हीटिंग कॉइल अपने आप को जलाती है, ठीक है। कुछ ऑयल वो है वो वहीं जला देती है और कुछ ऑयल जो है वो नीचे निकाल के ले आती है। अगर 100% ऑयल चिपका है तो आप मान के चलिए जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसका 45 to 50 ही है केवल, इतना ऑटो क्लीन प्रोसेस है ये चीज़। तो ऑटो क्लीन में मेरे को मैनुअल से क्या और एडवांटेज मिलता है? फॉर ऑटो क्लीन का मतलब ये क्लीनिंग में सिर्फ डिफरेंस आएगा है ना, क्लीनिंग में आपकी मोटर की क्लीनिंग में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब मैनुअल और ऑटो क्लीन में ये डिफरेंस है कि वो मेरे को ज्यादा थोड़ा सा फ्रिक्वेंट साफ करना पड़ेगा, और ऑटो क्लीन में ये है कि वो चीज वो ऑयल कलेक्टर में खुद ही अंदर कर देगा। हाँ, तो इसको मुझे थोड़ा कम साफ करना पड़ेगा इस बैफल फिल्टर को। हाँ, इस बैफल फिल्टर को आपको थोड़ा सा कम साफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस चेंज, थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्लीनिंग का, बस फर्क होता है मैनुअल और ऑटो क्लीन में। अगर मेरे को यहाँ पे अगर उसमें क्या है ऑटो मैनुअल में मेरे को बैफल फिल्टर निकालने पड़ रहे हैं फ्रीक्वेंटली, इसमें ये ऑटो क्लीन बटन दबाने के बाद मोटर से ऑयल सक करेगा और नीचे डाल देगा। जो ब्लोअर पे ऑयल चिपका है, जो मोटर पे ऑयल चिपका है, वो थोड़ा सा इसमें आके सक्शन हो जाता है, ये ऑटो क्लीन का प्रोसेस है। बाकी जो आपकी जो हमने एलिका और हैप्पी की देखी थी उसमें ऑयल कलेक्टर आता है एक्चुअली, है किस तरह से आपको पूरी चिमनी क्लीन करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये कलेक्टर है, इसमें ऑयल कलेक्टर सारा इसमें आएगा, आप इसे इजीली आप क्लीन कर सकते हैं, बस ये क्लीन करना है। बट अगर मैं सर्विसिंग की बात करूं फिल्टरलेस चिमनी में तो कब हमें करवानी बेस्ट रहती है? मतलब आई मीन ये तो ऑयल कलेक्टर हमने क्लीन कर लिया, बट इसमें भी तो कुछ कभी सर्विसिंग की जरूरत होती है। आप 6 महीने में करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका जो गैस स्टोव है और जो चिमनी है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? वो 26 इंचेस से 30 इंचेस के बीच होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपकी जो डिस्टेंस गैस स्टोव और चिमनी के बीच में 26 इंच से लेस होगी तो आग लगने का डर रहेगा, और अगर आपकी गैस स्टोव और चिमनी की जो डिस्टेंस है बीच की वो 30 इंच से ज़्यादा की होगी तो वो धुआं सक करने में प्रॉब्लम करेगा, अच्छे से फ्यूल वगैरह नहीं हो पाएगा, तो वो परफॉर्मेंस में कमी आएगी। इसीलिए आपके गैस स्टोव और चिमनी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 26 इंचेस से 30 इंचेस के बीच में रहनी चाहिए।